देखिए जब आप दिवाली शॉपिंग के लिए भले ही निकल रहे हो लेकिन यहाँ पर आए तो आने वाले वेडिंग सीजन के बारे में भी सोच के आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बुटीक्स हैं जो अपने स्टॉल्स लगाते हैं, यानी कि अंडर वन रूफ इन द सेम प्लेस आपको बहुत वेराइटी मिल जाती है एज अपोज टू आप बुटीक टू बुटीक जाए। सो थोड़ी सी लिस्ट बनाएं आने वाले, किसकी शादी होने वाली है, कौन से फंक्शन आने वाले, सबका मैथ्स यानी गणित करके आए और दिल खोलकर शॉपिंग करें, क्योंकि बजट भी उसी हिसाब से ना तय करना पड़ता है। आई टोल्ड यू ना, रिमेंबर फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स। बहरहाल चलिए, दिल को तुमसे प्यार हुआ। क्या है ये? ये सब छुपा कर तुमने हम सबको धोखा दिया है। तुम हमारे चिराग को बच्चा नहीं दे सकती और इस घर को वारिस नहीं दे सकती। दीपिका की सासू माँ लावण्या आपको नहीं लगता है कुछ ज्यादा ही ओवर कर देती है? अब देखिए ना कितना चीखना कितना चिल्लाना हर एपिसोड में वो करती हैं। जब जब दीपिका उनकी नजरों के सामने आती है न जाने वो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर बखेड़ा कर देती हैं और फिर कहती हैं कि मैं तो कुछ कहती ही नहीं। अब लावण्या के हाथ दीपिका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लगी है जिसमें ये लिखा है कि दीपिका कभी माँ नहीं बन सकती है। घर में सभी खुशियाँ मना रही हैं, पापा जी का जन्मदिन है और दीपिका ने अपने हाथों से केक बनाया है। जब वो पापा जी का मुंह मीठा कराने गई तब देखिए लावण्या ने आकर कैसे केक की थाली ही फेंक दी और शुरू कर दिया हंगामा। बाबा रे बाबा, इतने जोर से कौन चिल्लाता है कौन चीखता है, वो भी अपनी बहू पर। क्या है ये सब छुपा कर तुमने हम सबको धोखा दिया है। तुम हमारे चिराग को बच्चा नहीं दे सकती और इस घर को वारिस नहीं दे सकती। माना कि दीपिका से आप नफरत करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ज्यादा चिल्लाएंगी। एक घर का हर सदस्य मन में ये सोचता तो जरूर होगा लेकिन लावण्या के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। अब देखिए दीपिका को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है क्योंकि दीपिका तो एक कुछ जानती ही नहीं है। उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि चिराग कभी पापा नहीं बन सकता है। क्यों बेटा क्यों? क्योंकि ये वैसी बेचारी नहीं है जैसे आप लोग समझ रहे हैं और समझ से आए हैं। वही आजकल मिश्का दीपिका को गलत दवाइयां दे रही है ताकि वो कभी माँ नहीं बन सके। अब सीरियल की कहानी में हीरोइन एक होती है लेकिन उसके दुश्मन कितने होते हैं ना। बेचारी इन दुश्मनों का सामना करते करते ही इतना समय निकल जाता है कि कहानी लीप की ओर बढ़ जाती है। बार बार दीपिका का अपमान होता है। अब दीपिका अपमान का घूंट नहीं पिएगी और ये घर छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद अगर सबको लगता है कि घर में केवल जानवी का राज होगा, मिश्का का राज होगा, तो बता दे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी चिराग जिंदा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।